हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार बवास सीट कवर्स में। तो आज हम देख रहे हैं बजाज एवेंजर का हम सीट मॉडिफाई करने वाले हैं और ये स्पेशली कस्टमर हमारे 200 किलोमीटर से अपने शॉप पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ सीट मॉडिफिकेशन के लिए आए हैं, क्योंकि सर को हफ्ते में एक बार तो ट्रैवलिंग रहता है दूर का, तो उसी का ही काम हम आज करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रॉड करने की सलाह दी थी कि मुझे पीछे से सीट ब्रॉड चाहिए और आगे की तरफ भी ब्रॉड चाहिए। तो आप देख सकते हो हमने पूरी तरह से वॉलिंग लगा दी है, एक डेढ़ इंच हमने पूरी चारों तरफ से हमने वॉलिंग लगा दी। और सर ने अपना वीडियो यूट्यूब पे ही देखा था, उनको अपना काम बहुत ही अच्छा लगा। सर ने तय ही कर लिया कि ये कंफर्टेबल का काम अपने ही शॉप पे करना है। तो सर ने पहले फोन किया था एक दिन पहले कि मैं आज आता हूँ, तो हमें उस दिन बहुत काम था, तो हमने बोला कि आज नहीं तो कल सुबह सुबह 10 बजे आ जाओ। तो सर डायरेक्ट 10 बजे अपने शॉप पे आए हैं और उनको एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जो भी काम करते हो पहले कस्टमर का प्रॉब्लम सुन लेते हो फिर काम चालू करते हो। वो बात उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे सीट का हमने जो मॉडिफिकेशन किया है पहले हम तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ही उसका काम चालू करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कैसे हमने ये पूरी तरह से ब्रॉड करने का काम चालू किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने ऊपर लगा दिए एचडी वॉलिंग, क्योंकि जो पीछे फैमिली मेंबर बैठते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक कस्टमर का एक मानना रहता है कि जो सीट है ब्रॉड करो, पर कैसा रहता है जो अपना बेस है वो जितना ब्रॉड है उतना ही वो ब्रॉड हो सकता है। जितना हमारे हाथ में है वो तो हम करेंगे, फिर भी जितना बेस है उससे ज़्यादा तो कोई ब्रॉड हो नहीं सकता। तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी काम है हम प्रॉपर ही करने वाले हैं, जितना हमसे एक्स्ट्रा हो सके उतना ही कर देते हैं। और बहुत जन कमेंट बॉक्स में बोलते हैं इतना इसका कितना कॉस्ट है उसका कितना कॉस्ट है, मैं स्पेशली सभी को यही बताना चाहता हूँ, सभी सीट मॉडिफिकेशन का अलग अलग कॉस्ट रहता है। किसी का वेट ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का हाइट कम रहता है, वो सब देखना पड़ता है तभी मैं बता सकता हूँ। ऐसा अंदाज लेके कैसा काम नहीं करते हम, क्योंकि जो काम करने वाले हैं हम क्वालिटी काम करने वाले हैं। तो ऐसा कचरा बिचरा लगा देते, कोई फोम का पुराना फोम लगा देते तो कुछ बात नहीं रहती। तो मैं अंदाज पंची से भी बोल देता आपको इसको इतना खर्चा आएगा। और बहुत जन ऐसे बोलते कि मैंने इधर पूछा था उतना खर्चा आता है, तो आपने स्पेशली सिर्फ पूछा है वो क्या काम कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत जन ऐसे है कि सीट निकाल के लेते हैं और आप कल आ जाओ, आप परसों आ जाओ, आप शाम को आ जाओ, ऐसा करते हैं। बहुत जगह आप देख लो फिर मेरे को बोलो कमेंट बॉक्स में, ऐसा होता है नहीं। हम कस्टमर के सामने ही काम करते हैं फेस टू फेस। कस्टमर ये बोलेगा ये प्रॉब्लम है मेरे को, उधर ही सॉल्व कर देंगे। नहीं तो बहुत लोग ऐसे करते कि ये हो गया इतना ही होगा, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हमारे से यही होगा। तो यही ध्यान में रखिए, जो कंपेयर करते दूसरे काम से तो हमारा काम देखो पहला, फिर आप देखना कि कस्टमर हमारे सामने बैठे रहते हैं, जो भी काम है प्रॉपर उनके हिसाब से ही रहता है। कस्टमर खुश तो हम खुश, ऐसा हम ध्यान में रखते हैं।
तो कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करके पूछे, और हमारा जो काम है प्रॉपर तरीके से रहता है, और ये हम कस्टमर की एक सेवा ही करते हैं कि उनको जो कमर दर्द है, बैक पेन है, कोई भी दर्द है, हम वो सॉल्व करते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पैसे के पास देखेंगे तो वो होगा नहीं। तो आप किधर भी कर सकते हैं, जो भी काम है हम कम पैसे में ही करते हैं, पर क्वालिटी काम करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिए जो भी कस्टमर आपने देख रहे हैं। और ये सी फिनिशिंग तो मुझे दिखाओ आप, कोई करता है या नहीं। मेरा काम तो बहुत फिनिशिंग में रहता है और करना भी चाहिए, कोई भी सीट वाला है करना ही चाहिए, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अब सर राइट मार के आ गए, इसके सीट के बारे में बोलते, सर राइट मार के आए और सर बोले कि थोड़ा सा पीछे मुझे टेपर चाहिए। आप देख सकते हो हमने टेपर भी लगा दिया है और टेपर को हम शेप दे रहे हैं, क्योंकि जो भी आदमी पीछे बैठेगा उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा पीछे से, क्योंकि हाईवे पे क्या रहता है, स्पीड ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, ब्रेक ज़्यादा कभी लगाते हैं कभी कुछ लगाते हैं। तो आप देख सकते हो हमने ये लगा दिया है अभी, और सर चेक कर रहे हैं, राइड मार के आ गए अभी। राइड मारने के बाद ये फाइनल हो गया, आप देख सकते हो पीछे का क्यों टेपर किया था, वो बराबर फेस टू फेस हो गया अभी। ये देखो ये फाइनल है अभी, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, बहुत ही अच्छा लगा है उनको। उसके बाद हमने एक कवर सिला है कस्टमर के हिसाब से, उसको हमने चेरी ब्राउन कलर का आगे कलर चॉइस किया है, आप देख सकते हो चेरी ब्राउन किया है और पीछे हमने ब्लैक किया है, ये कॉम्बिनेशन किया है, ये हमारे हिसाब से किया है कॉम्बिनेशन कैसा लगे। और उसको हमने ब्लैक पाइपिंग लगा के साइड से सिल्वर सिलाई मारी है शो के लिए, आप देख सकते हो। और ये जो हमने लाइनिंग मारी है वो एम्बोसिंग की है, सिलाई नहीं है, ये एम्बोसिंग है, उससे अच्छी तरीके से डिजाइन दिख रही है। और एक कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगा सर को। और ये अभी हम कवर फिटिंग कर रहे हैं, स्टेपलर फिटिंग है ये, कभी भी निकलेगी नहीं। और जो भी काम है अच्छा ही करते हम। ये हो गया फाइनल फिनिशिंग हमारा, आप देख सकते हो कस्टमर ने हमारे गूगल मैप पे भी रिव्यू दिया, पर वो ऐड हुआ नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गया मुझे भी पता नहीं, पर उन्हें बहुत ही अच्छा दिया था रिव्यू, पर ऐड हुआ नहीं तो मैंने वीडियो में भी दिखाया नहीं। आप देख सकते हो अभी हमने डोल टोन में बिना दिखाया है, आप देख सकते हो ये पीछे वाला भी बैक रेस्ट कैसे बनाए, और ये बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छा है। और ये स्पेशली कस्टमर, फिर से एक बार बताता हूँ मैं, 200 किलोमीटर राइड करके अपने शॉप पे आए सीट मॉडिफिकेशन के लिए, तो उनको अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगा, जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए।